दरअसल ज़्यादातर शॉट्स मिल गए हैं दिन के, एक आध शॉट जो रह गया है वो हम लोग स्कीमर लगा के ले लेते हैं। गरज रहा है आसमान, मगर माता का आशीर्वाद है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, माता का आशीर्वाद है कि बारिश बंद हो गई है। जो फिल्म में पर्टिकुलरली क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का विषय है और जो आपने आर्टिस्ट का चयन किया है, काफ़ी सारे टेलीविजन आर्टिस्ट का चयन किया है, किस आधार पर चयन किया और जो विषय है आपको क्या लगता है कि आगे चल के कोई वाद विवाद तो नहीं करेगा? देखिए, वाद विवाद हिंदुत्व पे क्यों होना चाहिए, ये तो हम वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है, तो फिर जब दुनिया परिवार है तो किस बात का वाद विवाद? सिर्फ क्योंकि मैंने नाम अपने धर्म पर रख लिया इसीलिए? तो ये तो गलत बात है, मुझे लगता है ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए। और क्यों उठ रहा है ये सवाल, मुझे उस बात पे थोड़ी शर्म भी आती है कि मेरा धर्म मतलब विवाद का विषय हो गया। आप जब शुरुआत की थी आपने इस फिल्म की, बहुत बड़े अंदाज में शुरुआत की थी, आप उसके नाम वो अनुभव कैसा था जब आपने शुरुआत की थी इस मूवी की? जाहिर है उत्तराखंड के सीएम साहब ने उसका मुहूर्त किया और उत्तराखंड में हमें हर फैसिलिटी मिली इस फिल्म को शूट करने के लिए, तो बिल्कुल रेड कारपेट ट्रीटमेंट थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उत्तराखंड की सरकार का कि उन्होंने मुझे शूट करने में इतनी मदद की। सलासी जी, 22 से थिएटर्स भी खुल रहे हैं, तो इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब तक थिएटर्स में देखने को मिलेगी लोगों को? हम लोग जनवरी का सोच रहे हैं, शायद फरवरी भी हो सकता है, बट हम कोशिश है कि जनवरी तक ये रिलीज हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, प्लान कर रहे थे बल्कि कि हम ये एक हमारा थोड़ा सा पैच वर्क बच गया था वो शूट करें, और प्लान ये था कि मुंबई में करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सुविधा होती है शूट करने के लिए इस तरह के सीक्वेंसेस, पर चूँकि हालात ऐसे थे कि हम उसे कर नहीं पा रहे थे, लॉकडाउन फिर से लग गया था बीच में, चीज़ें रुक गई थी, फिर बारिश आ गई और आज भी हम फाइनली करना है तो बारिश फिर से आ गई तो हम इनसे बारिश से लुका छिपी खेल रहे थे, बट फाइनली इट्स हैपनिंग, फाइनली इट्स गेटिंग डन एंड इट्स बीन अ ट्रेमेंडस जर्नी, बहुत मज़ा आया। आई मीन इतने मुश्किल हालातों में हमने पूरी फिल्म शूट की, एक शेड्यूल में उत्तराखंड में आउटडोर, बिना किसी के बीमार पड़े हुए, पूरी सावधानी के साथ, वही आई थिंक अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंड आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट कि हम फिल्म को इतने मुश्किल समय में अच्छे से शूट कर पाए, ख़त्म कर पाए। वो एक्टर्स और फिल्म के साथ कैसा लगा काम करके, और फिल्म आपने पहले भी की है लेकिन ये फिल्म के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली करण सर के लिए, बिकॉज आई थिंक इट्स यूजुअली क्या होता है कि किसी को आप पर भरोसा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, एंड आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू करण सर फॉर शोइंग हिज फेथ ऑन अस एंड हमारे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और विश्वास रखने के लिए हमारी काबिलियत पर और हमारी कुवत पर, और को एक्टर्स सोनारिका अंकित, अनूप जी, दीपिका जी, ऑल आर वंडरफुल, एंड सोनारिका स्पेशली मेरे साथ में, मैंने उनके साथ में पूरा शो किया है पहले, और फिर से उनके साथ काम किया, बड़ी खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, उनके साथ में काम करके बहुत मज़ा आता है हमेशा ही, वी हैव लॉट ऑफ फन ऑन द सेट्स। अंकित भी बहुत ही स्पेशल, बहुत अच्छा एक्टर है, एंड आई थिंक आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो फ्यूचर उनके लिए और बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा इस फिल्म के बाद। एंड अनूप जी और दीपिका जी तो मतलब दे आर सो सीजन्ड, एंड उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आई मीन आई वाज जस्ट फॉर्चुनेट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद देम, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओके, कोई एक डायलॉग जो जहन में घूम रहा हो? गाना सुना देता हूँ, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। चलिए, विजुअल थैंक यू सर। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, इट विल कम समवेयर अराउंड द इंटरवल, और
मूवी ख़त्म होने से पहले, तो दो अलग इंपॉर्टेंट सीन्स हैं हमारे, एक तो आशीष के साथ है मेरा और एक मेरे खुद के ग्रुप के साथ है. आई कांट रिवील द सीन्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थिंग एंड इट्स अ वेरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीन है क्योंकि इस पर पूरा इंटरवल डिपेंड करता है. सो दैट्स वाई आई कांट रिवील इट. आई होप यू ऑल सी द मूवी हिंदुत्व वेरी सून, तो उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा व्हाट आर वी शूटिंग एंड इट्स द लास्ट डे. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. और करण जी के साथ को एक्टर्स के साथ कैसा लगा था? इट वॉज सो मच फन. यानी 40 days का शेड्यूल था हमारा ऋषिकेश और पूरे उत्तराखंड में, एंड देन टुडे इज़ द लास्ट डे. द होल एक्सपीरियंस वॉज माइंड ब्लोइंग. बहुत मज़ा आया पूरी क्रू के साथ काम करके. आपका जो कैरेक्टर उसके बारे में? मेरा कैरेक्टर का नाम है समीर सिद्दीकी. तो ये है एक लीडर अपने यूनिवर्सिटी का जो किसी की नहीं सुनता, अपने फादर की भी नहीं सुनता. तो एक बॉन्ड लीडर वाली क्वालिटी है इसके अंदर. और कैसे ये अपने कॉम को लेके, अपनी दोस्ती को लेके, अपनी सब चीज़ों को लेके इतना सीरियस, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, यानी ही इज़ अ वेरी सीरियस गाय. वो कभी भी आपसे जोक या मस्ती करते हुए नहीं दिखेगा आपको. ही विल ऑलवेज, इफ ही इज टॉकिंग समथिंग ही विल टॉक सेंस. सो हिज कैरेक्टर इज़ वेरी ब्रूडिंग एंड वेरी टफ आई वुड से. सर ये भी चाहूँगा, यू नो एज एन एक्टर कितना टर्निंग पॉइंट दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई करियर फॉर श्योर. दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज इट्स अ बिग मूवी एंड इट्स अ वेरी कमर्शियल मूवी. और आप कितना भी आई डोंट वांट टू से कि नेटफ्लिक्स और आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ ओटीटी एज वेल, बट अ कमर्शियल सिनेमा विच कम्स ऑन थिएटर गिव्स यू अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर. सो दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी फॉर श्योर. थैंक यू सर. विजुअल एक विजुअल बंडल कर ले. लाइट है तेरे पास? नहीं मैं लाइट देंगे. चल आ जाना, टेंशन क्यों ले रहा है. आ जा. पार्ट है एज़ एन एक्टर, वो भी कैसा अनुभव रहा अभी तक का, और ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली क्या स्टूडेंट पर जाना चाहूँगा? हिंदुत्व बहुत ही एक स्ट्रांग फिल्म है, बहुत इमोशनल और बहुत स्ट्रांग. और मुझे जो इसमें रोल दिया गया है वो तो यूँ समझ लीजिए बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है. मेरे जो डायलॉग्स हैं वो जब लोग सुनेंगे तो थोड़ा हिल जाएंगे, क्योंकि मैं भी हिल गया था बोलते हुए. फिल्म तो कंप्लीट हो गई थी ऋषिकेश में ही, लेकिन कुछ मेरे क्लोजअप्स की इनको ज़रूरत पड़ी. कुछ वो वहाँ छूट गए थे क्लोजअप्स, उन्होंने दोबारा करने थे, तो उसके लिए मैं आज आया हूँ. ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे का काम है, छोटा सा काम है, लेकिन ये करने के बाद में फिल्म जो है 100% हाथ में आ जाती है रिलीज़ करने के लिए. तो बस तैयार रहिए देखने के लिए. सर ये जानना चाहूँगा कि अभिनेता के तौर पर क्या कहना चाहेंगे, जब आप कोई फिल्म चुनते हैं तो क्या आधार रहता है आपका फिल्म चुनने का, किस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्या देखते हैं आप? पहले मैं ये देखता हूँ कि काम ऐसा है ना जो मैं आसानी से कर सकूँगा, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होगी. क्योंकि मैं वैसे देखा जाए तो मेरा प्रोफेशन नहीं है एक्टिंग, मैं तो सिंगर हूँ. लेकिन होता क्या है कि बचपन से कुछ प्लेज वगैरह किए हुए हैं, तो लोग मुझे जब देते हैं काम तो वो कहते हैं कि भाई आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो मैं उनकी बात मान जाता हूँ. तो हमने जो पाताल लोक किया था वो लोगों ने अप्रिशिएट किया, साईं बाबा अप्रिशिएट हुआ, और अब हिंदुत्व से मुझे बहुत उम्मीद है कि लोग इसका बहुत मज़ा लेंगे. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले साल से ही आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में जो माहौल है काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, ड्रग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हो रहा है, इमेज खराब हो रही इंडस्ट्री की, और खासकर ऐसे लोगों का नाम आ रहा है जो कि काफ़ी बड़े आइकॉन हैं, उनसे जुड़े लोगों का नाम आ रहा है. क्या कहना चाहेंगे, कितनी बुरी बात है ये इंडस्ट्री के लिए? बहुत दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है, और नाम हम लोगों का थोड़ा ख़राब हो रहा है इंडस्ट्री का. हम तो इसको एक परिवार मानते हैं. जब शाहरुख खान को तकलीफ़ आती है तो हमको लगता है कि हमको ही आई है, क्योंकि हम उनसे कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं, उनके पुराने हम मित्र भी हैं, जान पहचान भी हमारी बहुत अच्छी है. तो दुख तो होता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है इसकी जो एसोसिएशन है, पुलिस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है. इसलिए अब इसको मजाक में ना लें, अब सतर्क रहें, किसी के ऊपर भी ये बिजली गिर सकती है. मैंने इसमें गाना भी गाया है, और रोल मेरा ये है कि मैं जो हीरो है उसका फादर हूँ, और समाज का बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हूँ, हिंदू हूँ,
तो कुछ ऐसे डायलॉग्स हमारे और हमारे बेटे के बीच होते हैं कि मैं उसको समझाता हूँ कि ज़िंदगी चलानी है तो ये समझौते करने होंगे। थैंक यू। थैंक यू।